सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग, भैया ऐसी प्रतिभाएं हैं जो हर एक इंसान में होती हैं, किसी में थोड़ा कम तो किसी में थोड़ा ज्यादा। पेश है रूबरू मिस्टर इंडिया 2022 का टैलेंट राउंड, जहां पर 36 प्रतियोगी ने अपना अपना टैलेंट दिखाया। किसी के डांस मूव्स लाजवाब थे तो किसी ने कॉन्सेप्ट बेस्ड अपना टैलेंट पेश किया। किसी ने सिंगिंग से सबका दिल लुभाया, क्यों तो किसी ने अपने वन एक्ट से थोड़ा रुलाया भी। सभी प्रतियोगियों की बॉडीज तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या ये टैलेंटेड है, ये इस राउंड में डिसाइड किया गया। जूरी मेंबर्स ने इनके टैलेंट को परखा और इन्हें नंबर दिए और सबने आ आकर अपना अपना टैलेंट पेश किया। ज्यादातर लोगों ने डांस किया या फिर गाना गाया। इस मौके पर जूरी मेंबर में से इनकी ग्रूमिंग एक्सपर्ट रीता गंगवानी ने भी इन सबको ज्वाइन किया अपनी इस खास प्राइड डेस्क के साथ। और देखिए सब कैसे मिलकर रीता मैम के साथ कर रहे हैं भांगड़ा। भाई अब इस टैलेंट को क्या नाम दें। ज्यादातर लोगों ने डांस किया या फिर गाना गाया, कुछ ने अपनी एक्टिंग स्किल्स का परिचय दिया और जजेस से इन्हें मिली मिलीजुली प्रक्रिया। मेरे कंधे पर बैठा मेरा बेटा जब मेरे कंधे पर खड़ा हो गया, मुझे से कहने लगा, देखो पापा मैं तुमसे बड़ा हो गया। मैंने कहा, बेटा इस खूबसूरत गलतफहमी में भले ही जकड़े रहना, मगर मेरा हाथ पकड़े रहना। जिस दिन यह हाथ छूट जाएगा मेरे बेटे,
तेरा ये रंगीन सपना भी टूट जाएगा। दुनिया वास्तव में इतनी हसीन नहीं है, देख तेरे पांव तले अभी जमीन नहीं है। आज की गुड न्यूज क्या है? आज की गुड न्यूज है कि रूबरू मिस्टर इंडिया अपने फाइनल चरण पे पहुंच चुका है और आज हमारा फिनाले है। और आज इन बच्चों के साथ मैं उन्हें मोटिवेशन दे रही हूं कि आज शाम को कुछ भी हो जाए अपना 100% स्टेज पे देंगे और सभी यहां से रूबरू का नाम साथ लेके जाएंगे एज रूबरू ब्रांड एम्बेसडर। हेलो टिंकेश के लिए दो लाइनों में कहना चाहूंगी कि कुछ कर दिखाने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर दिखाने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए और वो उसके पास है। माई ड्रेस इज सेइंग दैट इट डज नॉट मैटर, इट जस्ट डज नॉट मैटर वॉट इज बिटवीन योर हेड एंड योर फीट, वॉट मैटर्स इज What's between your head and your chin and how you use it. भगवान ने हम सबको अलग बनाया है। संसार में हर साइज हर कलर हर शेप यहाँ मिलेगी and that's what makes life beautiful. अगर सभी एक से दिखने लगे तो जिंदगी का क्या मजा। सब तरह की चीज हमने देखी from भंगड़ा to गरबा to acting to singing टू माता का चौकी, एवरीथिंग हमने सब कुछ देखा एंड इट वाज फन, बहुत मजा आया एंड आई थिंक ये जज्बा आप सब रखिएगा। आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन एवरीवन बट दे स्टिल हैव टू ग्रूम देमसेल्व्स अ लॉट, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा और एनर्जी, थोड़ा और यू नो अ लिटिल बिट ऑफ नॉटीनेस इज इम्पॉर्टेंट। आई थिंक दे ऑल आर अ लिटिल बिट टू सीरियस विच आई फेल्ट, बट आई एम श्योर दे हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल एंड दिस इज द स्टार्टिंग फॉर देम टू यू नो रियली अनलीश एवरी थिंग विच इज़ विद इन देम। टैलेंट तो इन सब में बहुत ज़्यादा है, मैं मतलब आई डेंट गेट बोर्ड इवन फॉर अ सेकेंड और मुझे लगा कि सब लड़के बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है एंड या आई थिंक आई हैड अ वेरी गुड टाइम। आई डोंट वॉन्ट टू you know pinpoint one because everybody's talent is special to them but I had a great time, that's all I can say, they were fabulous, so I'm wishing them all the best and I'm 100% sure they all 36 will go very far. हर ब्यूटी पेजेंट में खास होता है टैलेंट राउंड, क्योंकि पर्सनालिटी के साथ सही टैलेंट होना जरूरी है जो इन्हें आगे तक लेकर जाएगा। रूबरू मिस्टर इंडिया 2022 के फिनाले के दौरान ये टैलेंट राउंड बड़ा ही मजेदार था जिसे जजेस से लेकर सारे यहाँ पर मौजूद लोगों ने एंजॉय किया। कुछ इस तरह खुलेगा इश्क तुम में कि बेसुध हो जाओगे तुम भी, अगर होना हो रूबरू होश से तो याद आए बस चाय है, सुनो एक राय है कि इश्क से बेहतर तो चाय है। और टैलेंट राउंड की सारी झलक लेकर आए हैं सास बहू और बेटिया। चेन्नई से नुपुरोची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।